मिला है YSP हॉस्टल। ये है हॉस्टल, सामने भी थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा आपको, ये वाला हॉस्टल है। तो ये वाला मिला मुझे, जो इंस्टीट्यूट है उनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इक्विपमेंट होनी चाहिए, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड हो गए एक्सेट्रा। एंड हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ कार्तिक एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। सो गाइज, मेरी थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि मैं नीचे से आ रहा था, तो अभी जा रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी। और आज हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो भी करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा व्लॉग में और चलते हैं अभी। तो अभी सबसे पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। जय हो। आ रहे हैं ग्रुप डिस्कशन की, प्री डिस्कशन करने के लिए। यस, हाँ ऐसी तैसी करेंगे जीडी में, और आई थिंक कॉन्फ्रेंस रूम में होगी जीडी हमारी। रूम के बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। एंड यहाँ पे सभी जो है प्रेपरेशंस करते हुए, डिस्कशन के लिए हमारा ब्लैक बोर्ड पूरी तरह से रेडी है। अब देख सकते हो, प्रेजेंटेड बाय बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन बी। तो अभी वैसे तो कॉन्फ्रेंस रूम में होगा, बट हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है फोटो लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं जीडी के लिए, प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो अभी सर आने वाले हैं और हमारे क्लासमेट्स भी। तो ये हमारे जो मेन है लीडर, वो हमें बता रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। गाइस, अभी मैं क्लास से आया हूँ हॉस्टल की तरफ। तो जो मेन बात थी वो ये थी कि मुझे हॉस्टल मिल चुका है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम दोनों के सेम मार्क्स थे, तो जो जिसको हॉस्टल अलॉट हुआ था उसने हॉस्टल नहीं लिया, तो करके मुझे मिल गया। तो अभी मैंने कल फीस सबमिट कराई थी, तो आज मैं अभी जो है रिसिप्ट लेने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा हॉस्टल दिखाता हूँ और तो फिर बाद में दिखाऊँगा जब मैं यहाँ को मतलब शिफ्ट कर लूँगा। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे और काम भी है। जीडी हमारी हो गई थी ग्रुप डिस्कशन आज की, अभी कल भी वही चलेगी, दो दिन का था हमारा। तो चलते हैं, मिला है YSP हॉस्टल। ये है हॉस्टल, सामने भी थोड़ा थोड़ा सा दिखेगा आपको, ये वाला हॉस्टल है। तो ये वाला मिला मुझे। तो अभी मेरे को ये भी पता करना है कि मेरे को कौन सा रूम नंबर अलॉट होगा। देखते हैं, यहाँ से आगे और हॉस्टल्स भी है, अभी तो आपको हॉस्टल की बहुत सारी वीडियोस मैं दिखाता रहूँगा। तो भी चलते हैं आगे, जहाँ से ये आ जाएंगे। हाँ, तो जितेंद्र भैया आए हैं शिलाई से आज ही, और ये हमारे लाए हैं स्पेशल मूड़ा, जो कि बूढ़ी दिवाली पे बनाया जाता है। तो बूढ़ी दिवाली इन्होंने बनाई है, इनसे मैं एक वीडियो क्लिप ले लूँगा थोड़ी सी, अगर होगी इन्होंने कोई बनाई हुई तो फिर मैं वो दिखाऊँगा आपको कि बूढ़ी दिवाली में क्या क्या होता है। तो ये हैंडमेड पापड़ होते हैं, और ये था फुलबड़ियाँ ही, फुलबड़ियाँ नहीं है, हम तो यही बोलते हैं, फुलबड़ियाँ बोलते हैं ना। और ये है मूड़ा, ये देखिए। जैसे कि हमारे ना पहाड़ी में हम मोड़ी बनाते हैं, तो वैसा ही कुछ काइंड ऑफ ये है। ये गेहूँ से बनता है ना, गेहूँ से हमारे भी मोड़ी बनाते हैं, इसमें भांग के बीज भी होते हैं। हाँ, तो बहुत टेस्टी है ये। तो देखिए, चीड़ फाड़ अनबॉक्सिंग होती है, बस बस चाय गिरी ना इस पे यार, विशाल जी ने चाय गिरा इस पे। तो यहाँ पे सभी मिल बांट के खाते हैं खाना, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सबकी थाली से आया हुआ है। डिस्कशन का है सेकंड डे, एंड अच्छे से करेंगे सेकंड डे पे। ये हमारे सुनील जी बहुत यहाँ पे एक्शन देते हुए, तो चलते हैं और अच्छे से हो जाए आज ग्रुप डिस्कशन, डे ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो अभी आज हमारा सेकंड डे है ग्रुप डिस्कशन का, तो अभी देखते हैं कैसे कैसे होती है। एंड सबसे मेन बात है कि स्टूडेंट टीचर की जो रेशियो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जैसे हमने देखा है कि 100 बच्चों के लिए एक टीचर है मान लीजिए, तो ऐसा होता है कि भाई जो हर बच्चे पे इंडिविजुअली तो वो ध्यान नहीं दे पाएंगे और ढंग से इंटरेक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो इसी में ये कहा गया कि तो भैया अपने भाई के साथ सेल्फी लेते हुए यहाँ
मारेगा ना। मैं रूम की तरफ यूनिवर्सिटी से मैं आ गया हूँ, हमारी ग्रुप डिस्कशन हो गई थी तो उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि हॉस्टल के लिए सामान भी लाना है और काम भी है मुझे घर पे। तो चलते हैं घर की तरफ और घर पे जाके मिलूंगा अब आपको। फोन में देखता हूँ ये कोई बागेश्वर धाम चला होता है, उसका प्रोग्राम है बागेश्वर धाम वो जो है।